इसलिए कृष्ण डर जाते थे, बोले मैया नहीं नहीं मैंने मक्खन नहीं खाए। बोले ये सखा लोग जो बोलते हैं, बोले सब झूठ बोलते हैं। बोले मैया कहाँ गए हो, तेरे को पता हो? बोले कहाँ गए हो? बोले जितने सखा है ना, अपना घर से चोरी चोरी करके लड्डू कचौड़ी मालपुआ दाल बाटी चूरमा लाते हैं। मैया तेरे को पता है मैं चोरी का चीज खाता ही, और मेरे को जोर जबरदस्ती के तू खा, मैंने खाया नहीं। वो समझ गए लगता है हमारे घर में ये शिकायत कर देगा, चुगली कर देगा, और मैं चुगली करने से पहले मेरे नाम पर सब चुगली करवाती हूँ, और तू इनके बात में बड़ी जल्दी आ जाती हो, मेरी बात विश्वास नहीं होता। इसलिए कृष्ण भगवान होकर के मैया की डर से प्रभु झूठ बोलते हैं, झूठ बोल देते हैं बचने के लिए। इसलिए बोले प्रभु आप जैसे मेरे गर्भ से स्वाभाविक रूप में जन्म लो, आपको मैं अंगूर पकड़ा करके ठुमक ठुमक करके चलाना में सिखा। बोले ये एक कारण है। बोले पंचमा कारण क्या है? बोले भगवान राम हैं, कत भगवान राम कत जिस समय वनवास में गए थे दंडकारण्य में पहुंचे तो बड़े बड़े ऋषि मुनि लोग गोपाल मंत्र में पूजा उपासना कर रहे थे। जब भगवान राम पहुंचे, राम और श्याम देखने में बराबर कर गई। अभी राम को देख करके ऋषियों को श्याम की याद आई और राम को पति रूप में प्रार्थना किया। बोले प्रभु अब हमारा पति बन जाओ। राम बोले नहीं, ये रामावतार में केवल एक ही पत्नी मेरी रहेगी, कौन है? सीता। और मैं किसी को ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, लेकिन मैं जब कन्या बन करके आऊंगा ना, मेरे बहु पत्नियां होंगी, हैं? इसलिए तुम सबके सब गोपी बन करके आना, फिर तुम्हारी सब इच्छाओं को पूरी करूंगा। इसलिए वो जो ऋषि लोग थे सबके सब क्या बन करके आए, सबके सब गोपी बन करके आए। अभी प्रभु को इनकी इच्छा पूरी करना पड़ेगा, इसलिए भगवान कृष्ण रूप में आए और सबकी इच्छाओं को कृष्ण ने पूरी की। बोले ये एक कारण है। आप लोग गिन रहे हो, कौन कौन गिन रहा है बताओ तो, कितना कारण हुआ? कितना हुआ? आप लोग गिन नहीं रहे ना, इसलिए कल आपको पूछूंगा, देखूंगा कितना कितना याद है, ठीक है? इसलिए कहती है पंचमा कारण हो गया। ठीक ठीक है प्रभु जी, सब धीरे धीरे आकर बैठ जाएगी, चिंता मत करो। हरे कृष्ण। आज कोई नहीं आएगा क्योंकि आज संडे, ये सोमवार है ना, कल संडे था इसलिए आ गए थे सब। ब्रजी वृंदावन बिहारी लाल की, इसलिए कहते ये एक कारण है भगवान किसी लिए ये जगत में आए। कहते छठवां कारण क्या है? कल आप लोग देख रहे थे भगवान बामन देव प्रकट हुए। अभी बामन देव की हैं, कहते बलि महाराज की एक बेटी थी जिसका नाम थी रत्नवाला। अभी माताओं का एक स्वभाव, क्या स्वभाव है? अगर कोई सुंदर कोई बच्चे को देखे ना, इच्छा करता है इसको गोद में ले, इसको प्यार करे। अब भगवान आए स्वयं बालक बन करके, बड़े सुंदर है क्यों, परमात्मा है ना, हैं? वो बड़े सुंदर है। अभी उनकी इच्छा हो रही थी मेरे ऐसे के लाला होता ना, दिन भर उसको गोद में लेकर के मैं प्यार करती हूँ। भगवान बोले कोई चिंता नहीं, मैं तुम्हारा लाला बन करके आ जाऊंगा। लेकिन जिस समय भगवान बामन देव दो पग में विश्व ब्रह्मांड को ले लिए, अभी तीसरे पग रखने के लिए कोई स्थान ही नहीं। बोले बड़ा डी घा कर रहा था, इतने दान तेरे को दूंगा कहीं तुम्हें झोली पसारने का जरूरत नहीं, बताओ अभी तीसरे पग कहाँ रखूं? तीसरे पग कहाँ रखूं? हैं? इतने में उन्होंने नागफास बंधन में बांध दिए, और उनकी जो बेटी रत्नवाला थी, बोली ये तो बड़ा दुष्ट है, इतना छोटा सा बन करके आया और मेरे पिताजी की सब कुछ ले लिया, फिर पिताजी को बांध दिया। अगर तुम मेरे बेटे बन करके आओगे ना, तेरे को दूध क्या पिलाऊंगी, तेरे को मैं जहर पिलाऊंगी। बताओ ये कृष्ण लीला में क्या बन करके आए, क्या बन करके आए? आप लोग कोई कथा नहीं सुने ना, इसलिए नहीं जानते, इसलिए कथा सुनते रहना।
इसलिए क्या बन करके आई, ये पुत्र नाम बन करके आई। बोले कोई बात नहीं, मैया भी बन जाऊंगा है, बेटा भी बन जाऊंगा और तुम्हारी जहर भी पी लूंगा। इसलिए पुतना ने स्तन में वो जहर लेकर के आई थी, इसलिए भगवान उनकी भी इच्छा पूर्ण की। कितना कारण हो गया? छह हो गया। उसका सप्तम कारण बताए, भगवान जिस समय वनवास में गए थे, रावण की बहिनी सुपर्णखा थी। अभी राम तो बड़े सुंदर थे, उनको रूप देख करके बोले क्या सुंदर है, जैसे करोड़ों काम दे हाँ इनको सामने पीठी बढ़ जाएंगी। इतने में सुपर्णखा बड़ी सुंदरी बन करके आई, आकर के बोले मैं जितने सुंदरी हूँ तुम भी उतना सुंदर हो, इसका मतलब है मैं तो तुमसे ज्यादा सुंदरी हूँ, इसलिए हम हमारा जो जोड़ी है ना बड़ी प्यारी है, इसलिए मेरे से ब्याह कर ले, शादी कर ले। बोले मेरे तो अल्लड़ी ये सीते है। इतने में लक्ष्मण गया था लकड़ी लेने के लिए, लक्ष्मण भी वापस आया, जब आया वो भी कम सुंदर नहीं। बोले ये कौन है? बोले ये मेरे छोटे भैया है। बोले कोई पत्नी नहीं अभी? बोले अभी तो कोई पत्नी नहीं, बोले इस समय शादी कर सकती हूँ। बोले तेरी जैसे मनमानी को कौन रोक सकता है, पूछ करके देख ले। इसलिए बोले लक्ष्मण मेरे से शादी कर ले। लक्ष्मण ने कहा अभी अभी तो प्रभु राम से कुछ बोल रही थी, ये बताओ दासी बनोगे ना तुम राज रानी बनोगे? बोले राज रानी? बोले मैं तो प्रभु का सेवक हूँ, मेरे से शादी करोगे ना जिंदगी भर सेविका करते करते तक जाओगी, कहाँ रानी बनने की इच्छा कर जाओ, प्रभु के पास में जाओ। फिर राम के पास में गए, फिर प्रभु राम इनकार कर दिया। सुपर्णखा बोले तुम्हें पता है मैं कौन हूँ, ये मत समझो मैं प्रार्थना कर रही हूँ, मैं रावण का मैं बहिनी हूँ, विशाल भयंकर रूप धारण की। बोले ये सीता को ही खा जाती, ये जितनी गड़बड़ी करने वाली, फिर तो शादी करोगे? इतने में लक्ष्मण उसको नाक काट दिए। बोले नाक क्यों काटे? बोले लक्ष्मण गुरु है। बोले गुरु का क्या काम? बोले शिष्य को उपयुक्त बना करके भगवान की सेवा में लगा। लक्ष्मण गुरु है, वो समझ गए इसने भगवान राम को हृदय में बैठा चुके हैं, और भगवान सबको इच्छा को ठाकुर पूरी करते हैं। किसी रूप में प्रार्थना करो, बोले तुम और किसी की बनकर के मत रहो। जैसे एक स्त्री बहुत सुंदरी है, अगर उसको नाक काट दो बताओ उसको शादी होगा? फिर उसको दुनिया में कोई ग्रहण करेगा? फिर उसको कोई शादी नहीं करेगा। बोले तो राम की बन करके रहो। फिर वही सुपर्णखा कृष्ण लीला में क्या बन करके आती है? जो बोलेगा उसको इनाम दूंगा, जो बोलेगा हाथ उठा। कृष्ण लीला में वो क्या बन करके आती है? क्या बन करके आती है बोलो? कौन बोले हाथ उठाओ? कौन हीरो का नाम बताओ तो सब बता देंगे, कौन हीरोइनी का, कौन प्लेयर का नाम बताओ ना सब बता देंगे। हाँ इसलिए नियम है घर में थोड़ी थोड़ी रामायण पढ़ो, ठीक है ना? हाँ इसलिए कभी कभी घर में भगवत गीता पढ़ो, थोड़ी सी समय मिले ना टीवी खोल कर मत देखा करो, सास बहू के लड़ाई हो रही है हाँ से ये सब चीज मत देखो। क्या करो? थोड़ी थोड़ी रामायण पढ़ो, थोड़ी थोड़ी गीता पढ़ो, थोड़ी थोड़ी भागवत पढ़ो, ठीक है ना? इस ग्रंथ को पढ़नी चाहिए, भगवान ने इतने ग्रंथ बना कर गए हैं, कम से कम तो हमारी ज्ञान, जब हिंदू है, हिंदू ना मुसलमान हो सबके साथ हिंदू है ना, जब हिंदू है थोड़ी थोड़ी तो फिर ग्रंथों के बारे में हमें थोड़ी थोड़ी पता होनी चाहिए, ठीक है ना? इसलिए वो क्या बन करके आती है? कहती है बनकर के आती है, कुब्जा बनकर के आती है, हैं? कुब्जा बनकर के आती है, फिर भगवान उसको एकदम सीधा कर देते हैं। देखो हाँ देखो, ये कृष्णा ऐसे एक ठाकुर हुए हैं हमारे कन्हैया, जैसे मीरा बोलती ना मेरे तो गिरधर गोपाला दूसरा ना कोई, इसलिए ये कृष्णा ऐसे एक ठाकुर हुए हैं। आप इसको पास में जैसे भी आओ, कोई राक्षस भी आए, कोई कुबड़ी भी आए हैं, कोई दुष्ट भी आए, कृष्णा किसी को छोड़े नहीं, सबको अपना चरण में स्थान दे दिया। इसलिए शिक्षा देते हैं अगर भक्ति करना तो किसको भक्ति करनी चाहिए बोलो? किसको भक्ति करनी चाहिए? हाँ कृष्ण को भक्ति करनी चाहिए। आप किसी रूप में भी उनको पास में आओ, ठाकुर जी तुम्हें स्वीकार कर लेगा, तुम्हें कभी छोड़ेगा नहीं। लेकिन राम सबको स्वीकार नहीं करते, राम तो केवल एक सीता को स्वीकार करेंगे और उसको अलावा और किसको ग्रहण नहीं करेंगे, लेकिन हमारे कन्हैया सबको ग्रहण कर लेते हैं।
बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, बोले श्री नंद के लाला की, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम। इसलिए ये भी एक कारण है, बोले और का क्या कारण है, बोले जिस समय राम और लक्ष्मण ये जनकपुरी में गए, गुरुजी विश्वामित्र जी को बोले, बोले गुरुजी थोड़ी आदेश दो, ये जनकपुरी थोड़ा देख करके आ जा। बोले देख करके नहीं, जनकपुरी को दर्शन देख करके आ। जब राम लक्ष्मण जनकपुरी में पहुंचे, क्या सुंदर दो जोड़ी, एक श्याम रंग के एक गौर रंग के, एक पीताम्बर पहना और एक नीलाम्बर, दोनों हाथ में धनुष, एकदम 14-15 साल की उम्र, जैसे लग रहा था आकाश से ये चंद्र सूरज एक साथ में प्रकट हो गए। क्या सुंदर प्रभु का रूप, अभी जिस गली में प्रभु गए ना उसी गली में हल्ला हो जाता था। क्या सुंदर दो बालक जनकपुरी में आए, जहां जाए बस श्री राम लक्ष्मण की। अरे जोर से आज एकादशी है ना, इसलिए जय जय बस श्री राम लक्ष्मण की। अभी जिस गली में जाए उसी गली में जय जयकार। अभी कोई झरखो से देख रहे कि कोई छत के ऊपर से, जो सीता की सहेलियां थी ना, जो कुंवारियां थी जिनकी अभी शादी नहीं हुई, वो सब के सब छत के ऊपर खड़े होकर देख रहे थे। लेकिन राम प्रभु का एक स्वभाव जानते हो क्या स्वभाव है, ये कभी सर उठा करके कभी किसी दूसरे नारी को, दूसरे स्त्रियों को कभी प्रभु नहीं देखते थे, हैं? जीवन में कभी किसी स्त्री के मुंह नहीं देखे। उनका स्वभाव है सर नीचा करके जाने का। अभी लक्ष्मण पीछे पीछे, राम आगे आगे, इतने में जो छत के ऊपर में जो कुंवारियां खड़ी थी, अभी प्रभु को देखने की इच्छा हो रही थी, लेकिन प्रभु सर को नीचा करके जा रहे थे। और जो किशोरियां थी ना, थोड़ा खास है मतलब था ऊपर में सर को कर थोड़ा दर्शन तो हो जाए, लेकिन प्रभु तो किसको देखते नहीं। लेकिन पीछे पीछे लक्ष्मण चल रहे थे। लक्ष्मण कौन, ये गुरु। बोले गुरु का काम किया, बोले गुरु का काम है जीव को भगवान से मिला। अभी लक्ष्मण प्रार्थना की, बोले प्रभु थोड़ी सी ऊपर सर करके देखो, थोड़ा सर को ऊपर उठा करके देखो। राम बोले लक्ष्मण खबरदार, ये जनकपुरी मायापुरी है, इधर उधर नजर मत दिखाकर सर नीचा करके चलो। लेकिन फिर वो किशोरिया बोले प्रभु थोड़ा देखो ना, अभी गुरु है ना, गुरु जी की अगर आदेश हो भगवान को करना पड़ता, क्योंकि भगवान गुरु जी की अनुगत्य में और संतों की आशीर्वाद से ही किसी भगवान पर जीव को प्राप्त कर सकते हैं। हम डायरेक्ट अगर कोई बोले कोई गुरु गुरु की जरूरत नहीं, हम अपनी आप भजन करके भगवान को पा लेंगे। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बिनो गुरु भवनिधि तरई न कोई, जो बिरिंचि शंकर समोई। मतलब ब्रह्मा शंकर जैसे तुम बन जाओ इतने बड़ी, लेकिन अगर तुम सदगुरु ग्रहण नहीं करोगे भगवान तुम्हें मिल नहीं सकते। इतने में गुरु प्रार्थना कर रहे हैं ना भगवान से, बोले प्रभु थोड़ा देखो ना, अभी गुरु जी बोल रहे हैं, बात तो सुनना ही पड़ेगा। इतने में प्रभु राम थोड़ा सर ऊंचा की, और वो जो किशोरियां थी एक बार प्रभु को देखे, सबके सब वहीं बेहस हो गए। और जब उनका होश आया ना, सब राम को पीछे पड़ गए, बोले शादी करो हमसे। राम बोले लक्ष्मण शादी कर, मैं पहले बता रहा था ना, पहले तेरे को बता रहा था ऊपर मत देखा करो, देखा अभी सबके सब पीछे पड़ गए, शादी करो अभी। प्रभु राम बोले देखो, ये रामावतार में तो केवल एक सीता जी को मैं ग्रहण करूंगा और किसी को नहीं, सबके सब द्वापर युग में तुम ये गोपी बन करके आओ, फिर तुमको मैं स्वीकार करूंगा। वही सबके सब ये द्वापर युग में ये गोपी बन करके आते हैं, कहते ये एक कारण है। कितना हो गया, कितना हो गया, तुम लोग कोई गिन नहीं रहे, आठ हो गया, आठ हो गया। नवमा कारण बताए, आप लोग रामायण देखे होंगे, भगवान राम 11,000 साल तक पृथ्वी पर राजत्व किया, हर साल एक एक अश्वमेध यज्ञ करते थे। लेकिन वशिष्ठ जी ने कहा, देखो प्रभु ये यज्ञ आप तभी कर सकते हो अगर पत्नी पास में हो, पत्नी के बगैर ये यज्ञ कर नहीं सकते हैं। इसलिए नियम है इस जगत में, पत्नी को बाम पार्श्व में रख करके कोई शुभ काम करनी चाहिए, नहीं तो कोई शुभ काम यहाँ नहीं होती है।
इसलिए लेकिन सीता जी को उन्होंने वनवास भेज दिए। बोले क्यों भेज दिए? कल बता रहा था ना, एक धोबिनी गई थी पीहर, और आते आते वो एक नदी पार करना पड़ेगा हैं? अभी वो रिमझिम रिमझिम बारिश ही हो रही थी, हो गया था शाम। केवट ने कहा मैं रात को पार नहीं करा सकता हूँ, ये रात हो गया है, बारिश ही हो रही है। अब इसको मजबूरी में एक रात वहां बिताना पड़ा। दूसरे दिन आए तो पति ने पूछा तुमने पिछली रात की कहां बताई? उन्होंने सारी बात बता दी। बोले मैं राम थोड़ी हूँ, रावण सीता को उठा करके ले गया और वापस आया तो प्रभु ने क्या किया, बराबर आसन में उसको स्थान दे दिया। मैं राम नहीं हूं, क्योंकि ये धोबी को पता नहीं चला, उसको पता ही नहीं था रावण ने सीता को उठाकर लिया ही। फिर रावण किसको उठा करके ले गया था? वो माया सीता थी, वो असली सीता थी नहीं। असली सीता तो अग्नि की शरण में चली गई थी, हैं? वो सीता थी नहीं, अभी उसको पता नहीं था ना, हैं? उसको पता ही नहीं था, इसलिए बोले मैं तुमको स्वीकार नहीं कर सकता हूँ। इसलिए भगवान राम ने सीता जी को उन्होंने त्याग दिया। इतने में वशिष्ठ जी ने बताया, देख तेरे पिताजी भी तीन तीन तो शादी किया, तू और एक शादी कर लो। बोले नहीं, सीता के सिवाय मैं इसको ग्रहण नहीं कर सकता हूँ। बोले और कोई उपाय बताओ। बोले और एक उपाय, आप सोने की सीता बना करके अपना बाम पार्श्व में रखकर यज्ञ कर सकते हो। बोले हाँ ये तो कर सकता हूँ। अभी भगवान 11,000 साल तक राजत्व किए, हर साल एक एक सोने की सीता बनती थी। फिर वशिष्ठ जी प्राण संचार करते थे, वो साक्षात सीता हो जाती। फिर इतने सीते गए कहाँ गए? ये सब के सब कृष्ण लीला में गोपी बन कर गया, और प्रभु कृष्ण सबको उन्होंने स्वीकार किया। देखो कृष्ण कैसे सबको स्वीकार करने वाले, किसी को छोड़ेंगे नहीं, कोई भी उनको पास में आ जाओ प्रभु हैं, उनको अपना पटरानी सब के सब बना दिया, गोपी बना दिया भगवान। अभी ये कितना हो गया, ये नवमा कारण हो गया। दसवां कारण बताए, बोले एक समय ब्रह्म लोक से वैकुंठ लोक से नारायण का चरण तुलसी और चंदन की खुशबू बहते हुए वैकुंठ से आया, और ब्रह्मा की चार बेटे थे चतुसर, सनक सनातन सनातन और सनत कुमार। ये पहले ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी मतलब जो व्यक्ति भगवान को निराकार मानते, अरे भगवान तो निराकार, उनका रूप नहीं, गुण नहीं, उनका रूप नहीं, और लास्ट में क्या करो, अपना सत्ता को कि ज्योति को वो ब्रह्म ज्योति में लीन कर दो, ज्योति को उसमें लीन कर दो। ये पहले ब्रह्मवादी थे, ये भगवान के स्वरूप को नहीं मानते थे। इसलिए ब्रह्मा जी बड़े दुखी थे, कहां ये बच्चों को मैंने जन्म दिया, कहां प्रभु की भक्ति रस का आस्वादन करे, और ये कहां भगवान को निराकार मानकर ध्यान करते, इनका जीवन तो बर्बाद हो गया। ब्रह्मा बड़े दुखी थे, लेकिन वो जो चरण तुलसी और चंदन आई इनकी नासिका में प्रवेश करते ही ये तो एकदम उन्माद हो गए। बोले पिताजी इतने सुंदर खुशबू कहाँ से आ रहे हैं? बोले वैकुंठ से नारायण का चरण तुलसी और चंदन। बोले पिताजी जिनकी चरण तुलसी चंदन में इतने खुशबू, वो कितने खुशबू नहीं होंगे, वो कितने सुंदर नहीं होंगे। बोले हाँ बेटे वो बड़े सुंदर है। बोले एक बार दर्शन करने के लिए जाए। बोले जाओ दर्शन करके आओ, क्योंकि ब्रह्मा जी को पता था तब तक कोई भगवान को निराकार निराकार कहेगा, बोले कब तक है? बोले जब तक प्रभु का दर्शन नहीं करता। प्रभु के एक बार दर्शन करना वो सारा दुनिया भूल जाते हैं। इसलिए ये जनक महाराज, ये भी पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, ये भी भगवान को पहले निराकार 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 बोलते थे, लेकिन जब भगवान राम जनकपुरी में आए ना, जब उनको एक बार उन्होंने दर्शन किया, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, बोले इन्हें ही बिलो कत अति हर सीता, हर सीता बराबर
एकादशी भगवान का सबसे प्यारी, सबसे प्यारी एकादशी की विशेष महिमा। अगर एक बार आप नाम जप करोगे ना, आपको 100 बार नाम जप करने का फल मिलेगा, क्योंकि ये तिथि के जो अधिष्ठात्री देवता, ये भगवान कृष्ण, राम और विष्णु, ये भगवान स्वयं व्रत के अधिष्ठात्री देवता। अगर इसी आज का दिन अगर एक माला करोगे ना, 100 माला करने का फल मिलेगा। इसलिए जितने वैष्णव साधु है, आज ज्यादा से ज्यादा हरिनाम करते हैं, रोज रोज जितने हरिनाम करते हैं ना, उससे आज थोड़ा ज्यादा हरिनाम करते हैं। और आज आप कथा भी सुन रहे हो और लास्ट में एक माला भी जप कराएंगे, ठीक है। इसलिए आज एक बार अगर ताली बजाओगे, 100 बार ताली बजाने करने का फल मिलेगा। एक बार अगर नाम करोगे तो 100 बार नाम करने का फल मिलेगा। इसलिए सबके सब बोलो हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि, हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, हरि हरि, हरि बोल, जी कहते हैं, बोले तब तक भगवान कोई ब्रह्म 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 निराकार बोलेगा, बोले कब तक रहे, बोले जब तक प्रभु का दर्शन नहीं कर ले। उनको एक बार दर्शन कर लेना, वो अपने आप ब्रह्म सुख अपने आप खत्म हो जाती है, हैं? फिर तो प्रभु का प्रेमानंद में डूब जाते हैं। इसलिए ब्रह्मा जी ने सोचा, ये तब तक मेरे बेटे भगवान को निराकार निराकार बोलेंगे, बोले जब तक प्रभु राम को दर्शन नहीं कर ले। उनका दर्शन करते ही ना बस ये सब बदल जाएंगे। बोले जाओ बेटा दर्शन करके आ। अभी 7 दरवाजा पार हो तो प्रभु का दर्शन मिलेगा। उनने 6 दरवाजा तो पार हो गए। जब 7वें दरवाजा में पहुंचे, जय और विजय थे। और इनका उम्र था 5 साल के, नंगे धड़ंगे बिना पूछे अंदर में चलते जा रहे थे। इतने में जय और विजय छड़ी लेकर के रास्ता को बंद कर दिया। बोले कहां जा रहे हो, पता नहीं लक्ष्मी को साथ में प्रभु क्या करते होंगे नहीं करते होंगे। बिना पूछे कोई पूछे तो कम से कम, जैसे सोए हुए सांप को छेड़ दो ना, जैसे उसको क्रोध आता नहीं, चतुसन को तो बड़ा क्रोध आया। बोले क्या, ये बैकुंठ लोग है। बैकुंठ का मतलब क्या, जहां पर काम क्रोध लोभ मोह मद और मात्सर्य नहीं, जहां पर डर भय कुछ नहीं, जन्म मृत्यु से दिग्बल लोग है। और यहाँ प्रभु से मिलने के लिए हम जैसे ब्रह्म ज्ञानियों को प्रश्न करने का जरूरत है। जाओ हमारे रास्ता रोक लिया ना, राक्षस जन्म में चले जाओ। अभी तो रोने लग गए। इतने में प्रभु अंदर में थे, प्रभु बाहर निकल कर के आए, ये हयोल्ला किया है। बोले क्या बात, बोले ऐसे ऐसे बात। बोले देखो बच्चों, अगर तुम राक्षस बन करके जाओगे ना, 3 जन्मों के बाद में आ जाओगे। अगर मेरे भक्त बन करके जाओगे, 7 जन्मों के बाद में वापस आओगे। बताओ क्या चाहते हो, जल्दी आना ना और लेट करके आना। बोले प्रभु हम तो चाहते हैं जल्दी जल्दी आ जाए। इसलिए वही जय और विजय पहला लीला में सत्ययुग में ये हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु बन करके आए, जिनको भगवान नरसिंह देव और श्री बराह देव जिनको वध किए। फिर वही कुंभकर्ण और रावण बन करके आए, इनको कौन मारे, राम इनको मारे। फिर वही शिशुपाल दंत वगैरह बन करके आए, इनको कौन मारे, कृष्ण मारे। यहाँ पर जब तक कृष्ण के हाथ में कोई नहीं मरता है ना, पूर्ण रूप में उनको मुक्ति नहीं मिलती है। इसलिए फिर 3 जन्मों के बाद में आए। इसलिए कृष्ण को आना पड़ा, क्यों, ये दोनों को जय विजय को मुक्ति दिलाना है। जब तक मेरे हाथ में नहीं मरेगी इनकी मुक्ति नहीं होगी। इसलिए इस सब कारणों को लेकर के भगवान ने भगवान कृष्ण रूप में आए और सबकी इच्छा प्रभु ने
पूरी की है। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। एक भजन सुन बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री राम। ओ माँ के बिहारी की अखियां जादू कर दे। ए माँ के बिहारी की अखियां जादू बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिसर गई सुध नहीं नतन की। बिसर गई बिसर गई सुध नहीं नतन की। बिसर गई बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। बिसर गई सुध रही नतन की। 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 अरे हर मैं तो मर गई हो बाके बिहारी की अखियां जादू कर गई। अरे दुनिया का हर बंधन टूटा। दुनिया का हर इन्हें देख के मैं तो दो। इन्हें देख के मैं तो दो। हाय रे मैं नंदने लगने लग गए लग गए हो बाके बिहारी की अखियां जादू। अरे हर मैं तो मर गई।
ताली बजा रहे हैं, कुछ नहीं बजा रहे, और सुबह ऐसी धुन कान में आ जाए तो नींद बहुत बढ़िया आती है कि नहीं। देखो मैं राजस्थान गया था, भीलवाड़ा झालवाड़ा ऐसे बहुत नाम है राजस्थान में, तो राजस्थान भीलवाड़ा गया था, वहां गुफा में एक माता जी आई, 60 साल की होगी। माता जी आकर के बोली राजस्थानी भाषा में, बोले खाने किए बोलो बाबा। मैंने कहा बोलो माता जी क्या बात है। बोले खाने किए बोलो। मैंने कहा बोलो। बोले थारी कथा तो इतनी मधुर है, इतनी मधुर है, खाने किए बोलो। मैंने कहा बोलो माता जी क्या बात है। बोले ऐसा है, थारी कथा तो इतनी मधुर, इतनी मधुर। मैंने कहा क्या मतलब, क्या समझा आपने कथा में। बोले खाने किए बोलो, मैं दिन में 10-10 गोली खाऊं नींद की तो मानी कोनी नींद आवे, आ थारी कथा में तो बैठते ही नींद आ जाए। तो इसलिए नींद ना आ जाए, कम से कम नाच ना सके कोई बात ना, जगह छोटी है तब कम से कम ताली तो बजे, ये तो नींद जरूर आएगी, इसलिए सभी लोग गाएंगे ताली बजाएंगे। बाकी बिहारी
लेती है वो अपने पति का नाम नहीं लेती है। लेती है क्या? पुराने जमाने में जो माता जी नहीं लेती है, कैसे बुलाते हैं पति को? हाजी सुनते हो जी? हाजी सुन रहे हो जी? ऐसे बुलाते हैं। लेकिन आजकल पति को कैसे बुलाती है? जैसे अपने मुन्ना को बुला रही है, ऐसे बड़े बड़े शहर में दिखाई पड़े है कि नहीं? तो एक जगह क्या हुआ, ये पंडित जी कीर्तन करा रहे थे। क्या कीर्तन करा रहे थे देखिए? कि काली मर्दन कंसन कंदन देवी की नंदन तब सरहं, काली मर्दन कंसन कंदन देवी की नंदन तब सरहं। अब हुआ क्या, एक माता जी जो है बनारसी साड़ी पहन करके सामने आकर बैठ जाती है रोज, और वो पंडित जी रोज यही कीर्तन कराते हैं। क्या? काली मर्दन कंसन कंदन देवी की नंदन तब सरहं, काली मर्दन कंसन कंदन देवी की नंदन तब सरहं। अब हुआ क्या, माता जी रोज इस कीर्तन में ताल को बिगाड़ेगा। कैसे? क्योंकि उनके पति का नाम देवकी नंदन था, और देवकी नंदन तो ले नहीं सकती है, पति का नाम है। तो वो माता जी रोज इस कीर्तन में ताल बिगाड़े, लय बिगाड़े, जैसे ही पति का नाम आ जाए नहीं ले। तो पंडित जी खटकरा लगा कि देखो तुम काल से सामने मत बैठना, रोज मेरे कीर्तन में ताल बिगाड़ते हो, लय बिगाड़ते हो है? तो माता जी गुस्सा होकर के चली गई घर, और घर जाकर के ये कीर्तन को बहुत प्रैक्टिस किया, रिहर्सल। कैसे? घर पे रिहर्सल कर रहे थे। उनके दो बेटियां थी, एक का नाम है चंपा और एक का नाम है पुष्पा। तो वही कीर्तन को कैसे रिहर्सल कर रही थी? अरे काली मर्दन कंसन कंदन चंपा के पापा तब सरहं, काली मर्दन कंसन कंदन पुष्पा के पापा तब सरहं, काली मर्दन। ऐसे भी आप लोग नाम ले सकते हैं, जैसे उनके पति का नाम देवकी नंदन है, ले नहीं सकते, तो उसके जगह पर चंपा के पापा तब शरण। ये सांकेत में सांकेतम परिहसम हिरण तुम्हें भगवान, तो ये जो संकेत सांकेत में ले सकते हैं। कैसे? चंपा के पापा तब शरण। तो इस प्रकार आप लोग, हो सकता है किसी के पति के नाम देवकी नंदन है, किसी के पति के नाम गोविंद है, ऐसे नहीं ले पा रहे, तो इस प्रकार ले सकते हैं। तो आइए सभी लोग ताली बजा कर गाएंगे। मैं देख रहा हूँ कि ये लोग गा नहीं रहे, हो सकता है उनके पति का नाम आ, इसलिए सभी लोग गाएंगे। बाके बिहारी की अरे बिछर गई सुध दही नंदन की, बिछर गई सुध दही नंदन की, बिछर गई सुध दही नंदन की, बिछर गई सुध दही नंदन की। अरे हो तो मर गई मर गई मर गई हो बाके बिहारी के बिहारी के
अगर आनंद आता तो जरूर उनके नाचते कम से कम एक बार। क्या माला हुआ है क्या कल है? यहाँ तो ऐसे लग रहा है कि शोक मना रहे। अरे भाई एक बार नाच के तो कम से कम ठोका लगा। भाग्य बिहारी के अरे फिसल गई सुध रही लगन की, फिसल गई सुध रही लगन की, फिसल गई सुध रही लगन की, फिसल गई I'm gonna
क्या बताएं, सभी लोग एक बार हाथ उठाएंगे प्रयास से, और हाथ उठाकर क्या बोलना है, आज एकादशी है, मैं ज्यादा जबरदस्ती नहीं करूंगा। देखिए सभी सभी लोग एक बार हाथ उठाए, और हाथ उठाकर आपको क्या बोलना है, जोर से बोले, आवाज बहुत कम आ रही है, दबे दबे से। हाँ सभी एक बार हाथ उठाएंगे, आज एकादशी है। देखिए अभी महाराज जी कह रहे थे, एक बार राधे बोलेंगे तो 100 बार का फल मिलेगा। हाँ इसलिए हाथ उठाकर सभी के क्या बोलना है, देखिए प्यार से बोलेंगे, प्यार से बोलो, प्रेम से बोलो, वृंदावन बिहारी लाल की, आज के आनंद की जय जय श्री राधे। इसलिए कल हम लोग श्रवण कर रहे थे कृष्ण कैसे मथुरा में कंस के कारागार में प्रभु प्रकट हुई, आज हम सुनेंगे कृष्ण गोकुल में नंद के लाला बनकर कैसे आए। कहते श्री नंद बाबा का जो पिताजी उनका नाम था श्री परिजन बाबा, अभी उनको थे 5 बेटे उपानंद सुनंद नंद अभिनंद और नंद। पहले ये नियम हुआ करता था जब 50 साल हो जाती थी फिर घर में कोई नहीं रहते थे। आप बताओ 50 के बाद में कौन सा अंक आता है, बोल बताओ 50 के बाद में, हाँ ये बन मतलब घर में नहीं वृंदावन जा भजन कर, बाबन 53 54 ये बन बन। शास्त्र कहता है ये 4 आश्रम है, कितना आश्रम है, पहला आश्रम है ब्रह्मचर्य। पहले नियम ये होता था, अभी जैसे बच्चे स्कूल कॉलेज में पढ़ते हैं ना, ऐसे ही बच्चे पहले गुरुकुल जाते थे 25 साल तक पढ़ते थे। जब 25 साल पढ़ाई हो जाती थी, अब रामायण देखे होंगे कृष्ण लीला, कृष्ण राम भी गुरुकुल में गए थे, 25 साल तक पढ़ते थे, उसको बाद में गुरु जी प्रश्न करते थे, बोले बेटा बताओ अभी क्या करो, अभी साधु बनना ना घर गृहस्थी करना, अभी जिसको गुरु जी के आश्रम में गीता पुराण वेद यही पढ़ते थे, पहले ज्योग्राफी हिस्ट्री फिजिक्स ये सब कुछ नहीं था, केवल एक ही सब्जेक्ट था संस्कृत, और थोड़ी बहुत अंक था हिसाब करने के लिए, और जितने सब पढ़ाई ना गीता भागवत वेद पुराण यही पढ़ाई होती थी। अभी ये ग्रंथ पढ़ करके जिसको ये ज्ञान हो जाता था, ये मानव शरीर 84 लाख जन्म के बाद में मिला है, भगवान बारंबार ये मानव शरीर नहीं देते हैं। और ये जीवन क्यों मिला, संसार करने के लिए मिला, बोले नहीं ये घर गृहस्थी के लिए जीवन नहीं है, इसलिए भगवान राम कहते हैं साधन धाम मोक्ष करे द्वारा
पाई न जई पर लोक सवारा। ये अयोध्या वासियों को समझा रहे हैं, बोले हे अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये कोई नहीं भगवान दिया। बोले साधन धाम मतलब ये 84 लाख जन्म में केवल एक ही जीवन मिला है जिसको द्वारा हम कृष्ण कृष्ण राम राम बोल सकते हैं। और इंसान को छोड़ करके किसको बोलो कृष्ण कृष्ण राम राम बोले, कोई बोल सकता है? नहीं। केवल दो ही प्यार दिया जो घर से यहाँ तक भागवत कथा में आए। और कोई जानवर गधे कुत्ते बैठे यहाँ पर? नहीं। केवल दो आंख दिए हैं जो ठाकुर को दर्शन कर सकते हैं। केवल दो ही हाथ दिए जिन हाथों से हम ठाकुर जी को सेवा कर सकते हैं। केवल एक ही हृदय दिए जिसको द्वारा तुम ठाकुर को स्मरण कर सकते, एक ही मन दिए जो ठाकुर को पूजा कर सकते, और कोई जीवन नहीं। इसलिए भगवान राम कहते अयोध्या वासियों, ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम मोक्ष कर द्वार, ये मुक्ति की दरवाजा में हम खड़े हुए हैं। ये 84 लाख जन्म भटकते भटकते मुक्ति की दरवाजा पर खड़े हुए। फिर अगर ये मानव शरीर पा करके जो व्यक्ति काम बुद्धे कुत्ते गधे सुअर करते थे, अगर फिर वही काम में लग जाए, खाना पीना सोना बच्चे जन्म देना और उनको छोड़ करके बड़ा कर देना, बताओ ये कौन का कौन नहीं करता? सुअर को देखो एक साथ में 10-10 बार बच्चे दे रहे हैं, 6 महीना में बड़ा कर देते हैं। हम एक बच्चे को तो 25 साल लगा देते हैं। खाने के लिए हम पहले माइनर स्कूल, फिर हाई स्कूल, फिर यूनिवर्सिटी, फिर कोई डिग्री, फिर कोई काम कर 10-10 घंटा, फिर जा करके पैसा कमा कर खाते हैं। बताओ सुअर कुत्ते गधे कौन सा स्कूल कॉलेज में जाते हैं, कौन सा नौकरी करते हैं? वो तो खाना अपने आप मिल रहा है। सोने के लिए हमें एयर कंडीशनर रूम, बढ़िया रूम चाहिए, तभी नींद आएगा। लेकिन अगर कोई टेंशन होना गोली खाने पर भी एयर कंडीशन रूम और डल्लम गति में नींद नहीं आता होगा। सुअर कुत्ते के तो रास्ता में आराम से सो रहे। इसलिए भगवान राम कहते हैं हे अयोध्या वासियों, ये खाना पीना बच्चे जन्म देना बड़ा बनाना, ये तो गधे कुत्ते ये सब कुछ कई कर रहे हैं। अगर ये मानव शरीर पा करके फिर उसी काम में तुम लग गए, फिर तुमने क्या किया? इसलिए ये मानव शरीर नहीं, ये साधन धाम, इसी जीवन में ही प्रभु का भजन करके मोक्ष करे द्वारा, इसी जीवन में तुम मेरे पास में आ सकते हो, मुक्ति को प्राप्त कर सकते हो। लेकिन जीवन पा करके जो ये काम को नहीं किया, सारा दुनिया काम कर लिया लेकिन प्रभु की भक्ति नहीं किया, भगवान राम कहते हैं फिर सर पिटते रहोगे, लेकिन ये मानव शरीर और तुम्हें भगवान नहीं देंगे, फिर तो भटकते रह जाओ। इसलिए अगर ये गुरुकुल में पढ़ करके शादी करो, कैसे शादी करो है? अपना सहधर्मिणी को साथ में रह करके धर्म को जाजन करते हुए, अपना परंपरा को रक्षा करते हुए तुम शादी करो है, शादी करो। इसलिए बोले कब तक संसार में रहोगे? लेकिन शादी क्यों करोगे? क्या मस्ती मारने के लिए? नहीं, ये गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है। जब शादी होती है ना, अब तो संस्कृत पढ़े नहीं, वो संस्कृत बोलते हैं, वो सालग्राम को साखी करके दोनों पति पत्नी कहते हैं। पति कहता है मैं शादी क्यों कर रहे हो? हे प्रभु मैं घर का बाहर काम करने के लिए जाऊंगा, लेकिन ये तेरे घर को कौन संभालेगा, तेरे को खाना कौन खिलाएगा, तेरे घर को साफ सुथरा कौन? सहधर्मिणी, पत्नी का नाम क्या है? सहधर्मिणी, तेरी सेवा के लिए, धर्म के लिए मैं शादी कर रहा हूँ, तेरे सेवा के लिए। बोले